हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निखिल रैक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राज पासवान और आज एक आई थिंक पता नहीं कहाँ का सॉन्ग है, ठीक है, और मैं नाम नहीं लूँगा वरना भाई ढेर सारे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका टाइटल में है कि गोडे गोशी नंग नंग, और ये इसमें एलमी दे बर्मा फीट जैक्सन ध्रुबा है। ओके, तो ये है इसका टाइटल। और ये वाला सॉन्ग जो है मुझे दो तीन बंदों ने रिकमेंड किया है, और देखते हैं क्या है सॉन्ग में। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हम टाइम से पहुँचाते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है सॉन्ग, ठीक है, क्योंकि लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस सॉन्ग में क्या है। चलिए करते हैं शुरू। 1 2 3 Jackson Druba Poila no glema Chiniyo shini mungi bhag Afruni ni moko Ani moko lo na shi glema Khao shuruk shuruk glema O jora o Nashik jagni ni o नॉर्थ ईस्ट का मिल रहा है। पता नहीं क्यों तेरे पीछे आया, पर जानता हुआ कोने तेरे फसाया, दिल में मैंने तुझे बसाया। हाँ ये बात सच है, ना डरे मुझे बातों ही बातों में अनजानी राहों पे है। तू बोली साधु में तेरे संग ऐसे हालातों में हो जाए एक दूसरे के आंखों में, तू जन्नत भी लगे अपना घर इस प्यार में वे भी घर। Can I give you tight on my arm, baby? Never gonna leave you, come from later. Just believe in me, just believe in me. डायरेक्टर बनी। ओके,
अच्छा क्या ये कॉकबॉक जो थी, मतलब वीडियो थी, आई थिंक मैं देखो माफ करना अगर मैं लैंग्वेज, वो जो वर्ड है कॉकबॉक, आई थिंक मैं इसको अगर ठीक से प्रनाउंस ना कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये वही वीडियो थी, क्योंकि मैं ना थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अंदर से कि शायद ये वही है कॉकबॉक वीडियो है, क्योंकि वो जो मैंने पिछली वीडियो करी थी जिसमें बीवा जमातिया थी, वहाँ से उसमें मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी सीखूंगा से, तो आजकल थोड़ा मैं देख रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल है, उसमें एक लेडी है वो जो सिखाती है, तो मैं उनकी एक आध वीडियो देख रहा हूँ आजकल। ओके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं सही हूँ कि नहीं, मैं गैस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके और ये जो फ्यूजन था ना, हिंदी को और ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है, इन दोनों का फ्यूजन, ऐसे और फ्यूजन होने चाहिए उससे, अगर आप हिंदी आर्टिस्ट के साथ या फिर किसी और आर्टिस्ट के साथ जुड़ी हिंदी, कोई पंजाबी आर्टिस्ट हो, कोई गुजराती आर्टिस्ट हो, या फिर कुछ ऐसा, आप उनके साथ फ्यूजन करेंगे तो ज़्यादा वो क्या होगा ना, मतलब इससे दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा फेमस होंगे, क्योंकि तब जो है बाकी इंडिया के जो लोग हैं वो भी जो है मतलब देखेंगे, क्योंकि इंडियंस को ना ऐसे फ्यूजन पसंद आते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ऐसे फ्यूजन जो है मतलब जो बाकी इंडिया है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, जो बाकी जो इंडिया है उनको भी फ्यूजन पसंद में आते हैं, और शायद आपको भी आते ही हो नॉर्थ ईस्ट वालों को, तो इस तरह के फ्यूजन और होने चाहिए। इससे एक और बात होगी कि ज़्यादा ना कनेक्टिविटी आएगी, जब आर्टिस्ट अलग अलग रीजन के आर्टिस्ट को बीच में कनेक्टिविटी आने शुरू होती है ना, तो लोगों के बीच में भी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्यूजन होने चाहिए। आप पंजाबी जो होते हैं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ, बंगाली आर्टिस्ट के साथ, गुजराती या फिर साउथ इंडियन, थोड़ा ट्राई कीजिए, कोई ना कोई आपका दोस्त होगा जो गाता गुता होगा, और किसी और या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी और जो है स्टेट का होगा, तो उसके साथ जो है कोलैबोरेशन अगर ज़्यादा होगा ना, तो आप देखना आगे जाके मतलब इसे कितना ज़्यादा जो है लोग पसंद करेंगे। बाकी इस सॉन्ग का म्यूज़िक अच्छा था, और वो जो मेल था उसने जो हिंदी में रैप किया वो भी अच्छा लगा मुझे, और बाद में जो मतलब इसी लैंग्वेज में किया, अगर ये त्रिपुरा की है वीडियो, तो जो त्रिपुरा की जो लैंग्वेज है, अगर उसमें ही जो उसने जो बाद में उसने जो किया ना, जो बोला उसने वो सेम लैंग्वेज में ही, वो थोड़ा ये था कि हाँ चलो भाई, मतलब उसको वो वाली लैंग्वेज में भी अच्छी खासी पकड़ रहा है, तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। और हम मिलते हैं वो अगली वीडियो पे, मुझे ऐसी ही वीडियो और ज़्यादा रिकमेंड करते रहिए, इससे क्या है कि मैं भी और ज़्यादा मुझे जानने को मिलता है आप लोगों को, और मुझे सही में आप लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।